भारत और बांग्लादेश के बीच ईडन गार्डन्स मैदान पर गुलाबी गेंद से खेले जा रहे ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट मैच के दौरान सट्टेबाजी करते तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने कई संदिग्ध दस्तावेज और नकदी बरामद की है। कोलकाता पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने बताया कि उन्होंने प्राप्त जानकारी के बाद कोलकाता के जोर बगान क्षेत्र से शुक्रवार रात को तीन लोगों को ईडन गार्डन में चल रहे मैच में सट्टेबाजी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन, दो कंप्यूटर और 2,00,000 रुपए नकदी बरामद की है। गिरफ्तार लोगों में दो के नाम कुंदन सिंह और मुकेश माली है। तीनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।